हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं EDS Pro 8 को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं CPU की। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए आपके लिए तीन रिक्वायरमेंट मिनिमम होती हैं। इंटेल कोर ट्यू, इंटेल कोर IX CPU या उससे अधिक। आप i5, i7 को भी आप यूज कर सकते हैं या AMD के प्रोसेसर को भी आप इसको यूज किया जा सकता है। सिंगल कोर CPU, AMD सिंगल कोर CPU विद 3 GHz प्रोसेसिंग स्पीड के साथ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या इससे अधिक मल्टीपल CPU वाले या मल्टी कोर CPU वाले को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको रेकमेंड यही करते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसिंग वाले प्रोसेसर को ही यूज करें। और तीसरी शर्त यह है कि ये एक सप्लीमेंट्री है। आपके CPU में SSE 3 सप्लीमेंट्री कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो भी आपको इंस्टॉल करने में, वर्क करने में प्रॉब्लम आएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नई नई ट्यूटोरियल से हम आपको परिचित करा पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।